जानवी कपूर, राजकुमार राव, वरुण शर्मा स्टारर रूही रिलीजेस टुडे। दिस हॉरर कॉमेडी इज द फर्स्ट बिग फिल्म टू रिलीज थिएट्रिकली पोस्ट लॉकडाउन। द फिल्म फॉलोज द एरी येट हिलेरियस मिस एडवेंचर्स ऑफ भौरा प्लेड बाय राजकुमार एंड कतरनी एसेड बाय वरुण एज दे क्रॉस पाथ्स विद अ मिस्टीरियस गर्ल नेम्ड रूही प्लेड बाय जानवी कपूर इन अ जंगल। दे आर नॉट अलोन दो एज अ स्केरी गोस्ट ऑल्सो टैग्स अलोंग। As now the film is finally released, let's check out some public reactions. हाँ, मूवी यार मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बेसिकली मैं कंपैरिजन लेके गया था कि स्त्री के मुकाबले होगी, बिकॉज ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और इस तरीके की मूवीज़ होती है, क्योंकि लग रहा था जोम्बी फ्लेवर है इसके अंदर या चुड़ैल फ्लेवर है, स्त्री वाला फ्लेवर। अल्टीमेटली राजकुमार वाज डूइंग इट, तो लग रहा था कंटेंट भी अच्छा होगा, लेकिन डिसअपॉइंट किया है मुझे अल्टीमेटली मूवी ने। नहीं यार, वो स्त्री और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। स्त्री कंटेंट ड्रिवन थी और ये कंटेंट बनाने की प्रिटेंड करने की कोशिश की है, मतलब जो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेगेसी थी स्त्री की, शायद उसको लेके आगे जाने की कोशिश थी कि राजकुमार को ले लेते हैं एंड उसी वाली स्टोरी पे काम करते हैं, पर सब कुछ पता था कि होने वाला है कैसे। मतलब शुरू के लिटरली फर्स्ट हाफ पे आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टोरी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश की जा रही है, तो वो स्त्री को फॉलो अप करने की कोशिश की गई थी। एक नंबर पिक्चर है सच्चे में, इतना भारी पिक्चर कभी देखा नहीं। स्त्री से कंपेयर करेगा ना, स्त्री में जितना कॉमेडी है ना उससे ज़्यादा इसमें डरावना कॉमेडी, फुल पैसा वसूल ड्रामा, एक नंबर फिल्म ब्लॉकबस्टर। आपको क्या अच्छा लगा मूवी? मेरे को एक स्टोरी अच्छी लगी भूत की, एक नंबर है, और वो जो मतलब अलग अलग शहर में वो भूत भगाने का वो भी अच्छा लगा, क्लाइमैक्स एक नंबर है। जानवी कपूर, अरे बेस्ट दीदी, बेस्ट है दीदी का करियर ये पिक्चर से, एक नंबर का है। एक बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग भी बहुत फर्स्ट क्लास थी। अच्छा काम है, बढ़िया है काम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवी इज फैबुलस, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट विद फ्रेंड्स। ये मस्ती वाली पूरी मूवी है, इसमें जैसे हॉरर दिया है बट द टर्न ऑफ कॉमेडी इन द हॉरर इज अल्ट्रा फैबुलस, अल्ट्रा फैबुलस, सुपर, पूरा पैसा वसूल है। एनीबॉडी कैन वॉच इट, कोई भी एज का आप देख लो, कोई भी फैमिली, पूरी मूवी है, फैमिली मूवी है इन शॉर्ट, एंड इट इज़ अ वेरी फैबुलस फन मूवी टू गो विथ एनीबॉडी बट इन अ ग्रुप डेफिनेटली। Yeah, it was good. Actually, didn't see the first part, so I'm not very much aware of the first scene. Now let's see how many stars they gave the movie. I think 1 or 2. 5 out of 5. Yeah, 5 out of 5 star. 3. Will definitely 4.5. I'll give 5. Completely 5. 4.5. 4.5. Dio Studios and Dinesh Vijan have presented the film, which is directed by Hardik Mehta.